Hello everyone, welcome again. Today I'll be sharing with you 5 summer detox or slimming tea for quick weight loss. Summer में जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, weight loss possible है और quick weight loss कुछ steps आपको लेने की ज़रूरत है. कुछ चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बताई थी और डिटॉक्स वाटर के साथ जो हमने शेयर किए हुए हैं ये टीज आप ले सकते हैं. इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको ये कैसे लेनी है, कब लेनी है और किस किस को नहीं लेनी है. जी हाँ, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिबिस्किस टी के साथ. एक बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है, आपने ये फ्लावर देखा होगा, ज़्यादातर दुर्गा पूजा में यूज़ होता है. ये 4 फ्लावर आपको लेने हैं फूल, उन्हें अच्छी तरह वॉश करके उनके जो पत्ते हैं फूल के वो इस तरह से अलग कर लेने हैं और इनको सेपरेट करके इन्हें यूज़ करना है. सबसे पहले हम एक पैन में 1 कप पानी को बॉईल करेंगे. इन्हें पहले नहीं डालना है, बॉईल करने के बाद डालना है और डालने के बाद गैस को बंद कर देना है. ये अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएंगे और जिनका कलर है वो इमीडिएटली पानी के साथ मिक्स होने लगेगा. ये देखिए किस तरह से सारा जो कलर है वो वाटर में इन्फ्यूज़ हो गया है, मिक्स हो गया है. आप इसे ढक दीजिए कुछ देर के लिए और थोड़ी देर और छोड़ने के बाद आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं. ये टी वेट लॉस के लिए बहुत आइडियल है, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कैलेस्ट्रॉल को लो करता है, आपके लिवर के लिए हेल्दी है, डाइजेशन में हेल्प करता है, विटामिन सी में रिच है और आपकी बॉडी को कूल रखता है. ये विंटर्स में भी ले सकते हैं, समर्स में. एंटी एजिंग है, एंटी बैक्टीरियल है. आपको अगर मेंस्ट्रुएशन क्रैम्स होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है और ब्लड कंट्रोल शुगर को भी लो करता है. लेकिन जिन लोगों को थायराइड के लिए भी अच्छा है, लेकिन जो लोग टैबलेट्स ले रहे हों हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए, वो बेसिकली कई बार बर्थ कंट्रोल पिल्स ही होती हैं, उन्हें अवॉइड करना है क्योंकि ये उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं. लो ब्लड प्रेशर जिनको है वो और हैल्यूसिनेशन इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए पहली बार लेने के बाद उसके इफ़ेक्ट को थोड़े टाइम के लिए देखना है. बेस्ट टाइम टू टेक होगा सोने से पहले, बेड टाइम. काफ़ी रिलैक्स करेगा आपके माइंड को, जो स्ट्रेस है उसे निकालेगा. हमारी जो दूसरी टी है वो है फेनल टी, यानी सौंफ की चाय. सौंफ जो होती है ठंडी तासीर की होती है, उसे आप समर्स में ले सकते हैं. एक पैन में 1 कप हमने पानी गर्म किया है और उसके बाद उसे हीट कर लेना है और साथ ही इसमें 1 चम्मच सौंफ हमें डाल देना है. जब ये बॉईल होने लग जाएगा तो आंच को धीमी करके थोड़ी देर और इसे पकाना है और इसे इन्फ्यूज़ होने देना है. सौंफ जो होती है वो वैसे भी लोग डाइजेशन के लिए खाने के बाद खाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी चाय पियेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा. और इसे बंद करके ढक कर हमें थोड़ी देर रखना है, कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट. अगर आपको थोड़ा निवाया पसंद है तो जल्दी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप 15 मिनट तक भी इसे ऐसे छोड़ सकते हैं. इसके फ़ायदे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हैं. आपको डाइजेशन में, जैसे मैंने कहा, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ब्लड प्रेशर को लो करता है, बैड ब्रेथ या गम्स की आपको कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, लैक्टेटिंग मदर यानी जो फीड करती हैं वो ले सकती हैं, हार्मोनल बैलेंस के लिए, PCOS, PCOD के लिए ये परफेक्ट है, थायराइड के पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपसे इससे एलर्जिक हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज इसे आराम से ले सकते हैं. पोस्ट मील 40 मिनट के गैप के बाद इसे लेना है आपको. अगला है लेमन पील एंड मिंट टी, यानी नींबू के छिलके. एक पैन में 1 कप पानी हम डालेंगे और उसमें 2 कटे हुए नींबू के छिलके, हमें नींबू नहीं डालना है, पूरी तरह निचोड़ के जो उसके छिलके होते हैं वो डालने हैं. मैं आपको बताऊंगी कि जो छिलके होते हैं उसमें ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं एज़ कंपेयर टू नींबू का जूस. हम इसे फेंक देते हैं लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत और भी बहुत ज़्यादा यूज़ आप कर सकते हैं, शायद हम उस पर अलग से एक वीडियो बनाएं. लेकिन लेमन का जो छिलका होता है, हमने इसमें मिंट लीव डाली हैं, फ्रेश मिंट लीव 10 से 12, और इसे अच्छी तरह से गर्म करना है हमें. गर्म करने के बाद पूरी तरह से भी खोलने लगे, जब इसमें बॉयल आ जाए, थोड़ी देर बॉयल करने के बाद हमें इसे धीमी आँच पर थोड़ी देर और रखना है और फिर ढककर इसे इन्फ्यूज़ होने देना है.
ये टी जो है वो स्पेशली जो आपका फैट है, स्पेशली बेली फैट जो है, उसे बर्न करने में हेल्प करेगा, वेट लॉस में. इसमें कैल्शियम और विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है पील में. स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, आपकी बोन के लिए बहुत अच्छा है, PCOS PCOD के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एंड्रोजन लेवल जो मेल हार्मोन्स होते हैं उसे कम करता है. और भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसके. अगर आपको थोड़ा बिटर लगे तो आप इसमें हल्का सा हनी ऐड कर सकते हैं और इसे किसी भी टाइम दिन में आप ले सकते हैं. नेक्स्ट है करी लीव. करी लीव्स को मीठा नीम भी कहा जाता है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. इसमें विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. 4 से 5 स्प्रिग्स हम लेंगे, उसे वॉश कर लेना है और इस तरह उसकी डंडी से लीव्स को अलग कर लेना है. करी लीव्स यूजुअली लोग अपने खाने में ऐड करते हैं, तड़का लगाने में ऐड करते हैं, लेकिन अगर आप इसे ऐसे भी खाना चाहें तो खा सकते हैं. मीठा होता है, कड़वा नहीं होता है. और एक और चीज़, हमसे लोग पूछते हैं कि इसका जो लेफ़्ट ओवर है उसे क्या करें. जैसे फेनल सीड्स को आप अगर बच जाएं तो नीचे जो बचते हैं उसे खा सकते हैं, वैसे ही इसे भी आप खा सकते हैं. लेमन पील को आप नहीं खा सकते हैं ऑब्वियसली. इसे हमें बॉईल करना है अच्छी तरह से और फिर इसे भी इन्फ्यूज़ करना है. अलग अलग तरह के करी लीव्स आते हैं. कई लोग देसी वाला जो होता है, सीड पर डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह का इफ़ेक्ट भी इसका होगा. तो ये भी डिपेंड करता है क्लाइमेट का, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है करी लीव्स के ऊपर. इसे इन्फ्यूज़ करने के बाद हमें इसे स्ट्रेन करके पीना है. वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए, अगर आपको डायरिया है उसके लिए, वोमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ब्लड शुगर को कम करने के लिए, विटामिन मिनरल जैसे मैंने कहा, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी लिवर की हेल्थ के लिए और आपकी आईसाइट के लिए. इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके. एज सच कोई नोन साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार कोई भी टी लें, इसे मॉर्निंग में लेना है. अगर आप पहली बार कोई टी लें उसके इफ़ेक्ट को देखें. जैसे मैंने कहा, हिबिस्किस टी में कई लोगों को हैलुसिनेशन होता है, थोड़ी नींद आती है, तो पहली बार उसको लेकर आप ड्राइव पर ना निकलें. यह है नॉर्मल हमारी ग्रीन टी लेमन के साथ. 1 कप पानी हम डालेंगे. मैं यहाँ पर लीव यूज़ कर रही हूँ ग्रीन टी के, दैट इज़ मोर इफ़ेक्टिव. अगर आपके पास डिप वाली है, सैशे वाली, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि अगर लीव, और वो भी ऑर्गेनिक, मैं यहाँ ऑर्गेनिक इंडिया की टी यूज़ कर रही हूँ, आई एम टेलिंग यू द ब्रांड सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो. और इसमें 4 मैंने लेमन के स्लाइसेस डाल दिए हैं. ये पानी ऑलरेडी उबल गया था, इसीलिए कभी भी टी को उबालना नहीं चाहिए, उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है. ये देखिए जो लीव्स हैं वो खुल गए हैं और कितना ज़्यादा थोड़ी देर में इनका इफ़ेक्ट आ गया है. इसे हमें स्ट्रेन कर लेना है और सब लोग जानते हैं इट इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, आपकी बॉडी से टॉक्सिक को रिमूव करता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें निकालता है, फैट बर्न में हेल्प करता है. लेकिन इसे तुरंत खाने के बाद कभी नहीं लेना चाहिए, वरना स्पेशली आयरन अब्जॉर्प्शन में ये इंटरफेयर करता है, आपकी बॉडी में आयरन को नहीं लगने देता है. इसलिए खाने के 50 मिनट के बाद तक हमें ग्रीन टी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए. आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा और आप इन्हें ट्राई करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए. आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन आर ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर दूँगी. तो अब आज के लिए इतना ही. टेक केयर एंड सी यू वेरी सून. बाय बाय.